everyone i am smriti sinha here and welcome back to our channel science zone today you follow tomorrow we lead and if you are new to this channel please hit the subscribe button given below and if you have missed the previous videos you can click on the i button given above and if you want to join our telegram group you can click on the link given in the description and today we are going to see the topic a mind this is topic number 13 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th. I have already completed with this chapter. If you have missed the videos of the chapter, you can click on the I button above. See those videos, and today we are going to discuss exercise. These are the questions which are given at the end of the chapter. So, we are going to discuss those questions. And notes will be available very soon in the form of PDF. So the first question is, choose the correct option. The hybridization of nitrogen in primary amine is. तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन प्राइमरी अमाइन में होता क्या है? तो प्राइमरी अमाइन आपको स्ट्रक्चर याद होगा, RNH2. तो RNH2 मतलब नाइट्रोजन है सारे बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स अटैच दैट इज सिग्मा बॉन्ड्स अटैच इसलिए जो है एस पी थ्री हाइब्रेडाइज तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन प्राइमरी अमाइन इज एस पी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसो ब्यूटिल अमाइन इज अ एग्जाम्पल ऑफ तो आइसो ब्यूटिल अमाइन जो है उसमें आइसो ब्यूटिल ग्रुप है बट उसमें अटैच है एन एच टू इसलिए वो एग्जाम्पल है प्राइमरी अमाइन का तो आइसो ब्यूटिल अमाइन जो है वो प्राइमरी अमाइन है नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्पाउंडस हैज़ द हाइस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो गिवन कंपाउंड में से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमेशा प्राइमरी अमाइन का होता है ठीक है तो जो प्राइमरी अमाइंस हैं उनमें प्रॉब्लम यह है कि वो स्ट्रेट चेन अमाइंस होते हैं स्टेट चेन अमाइन होने की वजह से उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी आइसोब्यूटिल या टर्शरी अमाइन से कंपेयर किया जाए तो स्टेट चन अमाइन के जो ये हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज़्यादा स्ट्रांग है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इसलिए इसका आंसर ए है क्योंकि बाकी सब देखोगे आप सेकेंडरी आइस अमाइन सेकेंडरी ब्यूटिल अमाइन आइसो ब्यूटियल अमाइन टर्शरी ब्यूटिल अमाइन वो सब ब्रांच अमाइंस हैं और इसलिए उनका पॉइंट कम है। है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका है तो so, आप ट्राई मिथिल अमाइन है ठीक है ट्राई मिथिल अमाइन या फिर मिथिल अमाइन या अमोनिया डाई या मिथिल अमाइन तो so, आपको पता है सेकेंडरी अमाइन आर बेसिक मोस्ट बेसिक इन नेचर तो सबसे स्ट्रोंग बेसिक कौन होता है बेस कौन है सेकेंडरी अमाइन तो यहाँ पे आप सारे को स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको मिल जाएगा कि डी जो ऑप्शन है वो सेकेंडरी अमाइन दैट इज डाई मिथिल अमाइन जो है वो सेकेंडरी अमाइन है और इसलिए वो सबसे ज्यादा बेसिक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विश टाइप ऑफ अमाइन डस प्रोड्यूस एंड टू वेन ट्रीटेड विथ एच एन ओ टू तो एच एन ओ टू के साथ ट्रीट करने के बाद कौन सा अमाइन है जो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है तो इसका आंसर है कोर्स प्राइमरी अमाइन तो प्राइमरी अमाइन जो है वो डाइज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन अंडर को करेगा डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन एच एन ओ टू के साथ रिएक्ट होके आपको डज प्रोड्यूस क्या करेगा एंड तो वो प्राइमरी अमाइन आपके एच इन ओ टू के साथ रिएक्ट होगा और फिर वो डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म करेगा डाइजोनियम सॉल्ट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और इसलिए तुरंत वो जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा इन टू गैस और गिवन अल्कोहल में नेक्स्ट है कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज गिवेन बाय कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो है सिर्फ प्राइमरी अमाइन पॉजिटिव दिखाते हैं सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन कार्बाइल अमाइन टेस्ट अंडरगो नहीं करते नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड एसिटिल क्लोराइड के साथ इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं रिएक्ट करता है तो एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के लिए या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्ट करने के लिए तो असाइटेशन रिएक्शन है करेक्ट अमाइंस जब एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट होते हैं तो असाइटिलेशन होता है अब जब रिएक्ट करना है इन्हें तो उनके पास हाइड्रोजन होना चाहिए बट सेकेंडरी अमाइन एक सिर्फ अमाइन है देखो टर्शरी अमाइन जो सिर्फ अमाइन है जिसके पास हाइड्रोजन आइटम नहीं है नाइट्रोजन को अटैच फर्स्ट ऑप्शन में है दो हाइड्रोजन अटैच है असाटिलेशन पॉसिबल है सेकेंड में भी हाइड्रोजन अटैच है थर्ड फोर्थ में भी हाइड्रोजन अटैच है सिर्फ थर्ड ऑप्शन है जिसमें नाइट्रोजन में हाइड्रोजन अटैच नहीं है दैट इज टर्शरी अमाइन और इसलिए ये असाइटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल डिसॉल्व इन एक्वस एनओएच आफ्टर अंडरगोइंग रिएक्शन विद हेज़नबर्ग रिएजेंट हेज़नबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किस अमाइन का प्रोडक्ट रहेगा जो एक्वस एनओएच दैट इज अल्कली में सॉल्युबल है तो आपको याद होगा तो याद होगा किसी प्राइमरी अमाइन जो है वो हैजनबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके ऐसा प्रोडक्ट देता है जो अल्कली सोल्यूशन जो है उसमें सोल्यूबल होता है तो आपको देखना है इनमें से कौन प्राइमरी अमाइन है और आपने करेक्ट पहचाना ऑप्शन ए दैट इज़ इथिल अमाइन जो है वो प्राइमरी अमाइन है और इसलिए वही सिर्फ हैज़न बर्ग के साथ रिएक्ट करके आपको ऐसा मिक्सर देगा ऐसा प्रोडक्ट देगा जो एनोवेज सोल्यूशन में सोल्यूबल है सेकेंडरी अमाइन का जो प्रोडक्ट होता है वो एन्य सोल्यूशन में सोल्यूबल नहीं होता और टर्शरी अमाइन हैजन बर्ग क्रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई बी इन फॉलोइंग रिएक्शन तो आपको बी आइडेंटिफाई करना है तो पहला है जो वो है जो आपका नाइट्राइल ग्रुप है वो एन ए और एल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा तो वो ऑफकोर्स रिड्यूस हो जाएगा और बन जाएगा ए जो आपका है यहाँ पे वो बना है सी एच थ्री क्योंकि रिडक्शन हो रहा है नाइट्राइल ग्रुप का और नाइट्राइल ग्रुप प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो रहा है तो सी एच थ्री सी एच टू एन टू तो वो कन्वर्ट हो गया प्राइमरी अमाइन में ठीक है और फर्दर एनएनओ टू और डाइल्यूट एसियल के साथ रिएक्ट होके आपको पता होगा एन ए टू और डाइल्यूट एसियल एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके बनाते हैं एच टू और एच एनओ टू प्राइमरी अमाइन का कर देगा डाइजोटाइजेशन मतलब आपको यहाँ पे डाइजो डाइजोटाइज प्रोडक्ट मिलेगा दैट डाइजोनियम सॉल्ट और है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन अजो लिंकेज तो अजो लिंकेज किस में होता है तो अजो लिंकेज होता है पैरा हाइड्रोक्सी अजो बेंजिन में क्योंकि आप यहाँ पे वर्ड अजो देख सकते हैं और इससे भी आंसर पहचान सकते हैं कि इसमें अजो लिंकेज है नेक्स्ट है आंसर इन वन सेंटेंस राइट रिएक्शन ऑफ पैराटोलिन सल्फोनोराइड विथ डाइथिल अमाइन तो पैराटोलिन क्लोराइड को आप देखोगे यहाँ पे वो रिएक्ट हो रहा है डाई अमाइन के साथ दैट इज सेकेंडरी अमाइन के साथ और वो दे रहा है एन एन डाई इथिल बेनजिल सल्फामाइड ये जो है हेजनबर्ग रिएजेंट है दैट इज पैराटोलिन सल्फोनोराइड जो रिएक्ट होने वाला है सेकेंडरी अमाइन के साथ और देने वाला है एन एन डाई इथिल बेंजिल सल्फामाइड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मिथिल ब्रोमाइड आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इथिल अमाइन टू एन एन डाई इथामाइन तो अब देखिए पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए तो आपको आंसर पता चल जाएगा यहाँ पे मैंने आंसर तो स्क्रीन पे दिया हुआ है टू मोल्स पर टू मोल्स आया कहाँ से वो आपको पता लगाना है तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए तो स्ट्रक्चर इस तरह से है आपका एक मिनट में स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको तो ये हुआ सी टू एच फाइव एन एच टू तो ये हुआ आपका इथामाइन और इथामाइन को आपको कन्वर्ट करना है एक्चुअली एन एन डाई इथामाइन में तो पहले आप इथिल ग्रुप लिख दीजिए क्योंकि आप इथामाइन की बात कर रहे हो और इथामाइन का जो नाइट्रोजन है वो दोनों भी हाइड्रोजन उसका सब्स्टिट्यूट है मिथिल से क्योंकि वो डाइमिथिल दिया हुआ है वहाँ पे तो इसलिए आप यहाँ पे मिथिल लिख दोगे दैट तो इज सी एच थ्री सी एच थ्री मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में एम ई एम ई लिखा है आप सी एच थ्री सी एच थ्री लिख दीजिए तो आपको क्या करना है ये दोनों हाइड्रोजन को मिथिल से रिप्लेस करना है मतलब आपको कितने मोल्स ऑफ मिथिल ब्रोमाइड लगेंगे दो मोल क्योंकि आपको दो हाइड्रोजन रिप्लेस करना है इसलिए दो मोल्स नेक्स्ट है विच अमाइड डज प्रोड्यूस इथा अमाइन बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन तो आपको क्या बनाना है आपको बनाना है इथामाइड इथामाइड का स्ट्रक्चर वापस लिखिए दैट इज सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू तो ये हो गया इथामाइड और आपको इसमें हॉफमैन डिग्रेडेशन करना है मतलब इसको ट्रीट करना है NAOH इन द प्रेजेंस ऑफ बी आर टू और हॉफमैन डिग्रेडेशन के बाद आपको पता होगा कि आपको ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए इथामाइड इसका मतलब आपके स्क... इसमें देखो कितने कार्बन है पहले पहचान लो इसमें है दो कार्बन प्रोडक्ट में दो कार्बन है मतलब स्टार्टिंग मटेरियल में तीन कार्बन होने चाहिए क्योंकि हॉफमन डिग्रेडेशन जो है वो स्टेप डाउन रिएक्शन है स्टेप डाउन रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट में जो भी नंबर ऑफ कार्बन होगा प्रोडक्ट में एक कार्बन लेस होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट में दो कार्बन है मतलब आपके रिएक्टेंट में थ्री कार्बन चाहिए और इसलिए कौन सा अमाइड यूज करोगे आप प्रोपामाइड इतना इजी है आपको बैकवर्ड जाना कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हॉफ डिग्रेडेशन स्टेप डाउन रिएक्शन है उन्होंने प्रोडक्ट दिया हुआ है प्रोडक्ट में दो कार्बन है मतलब स्टार्टिंग मटेरियल में तीन कार्बन है नेक्स्ट है राइट डाउन दी ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइन इन गैशियस फेज तो सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है फिर टर्शरी अमाइन और सबसे लेस बेसिक होता है प्राइमरी अमाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर प्राइमरी अलेफेटिक अमाइन स्ट्रॉगर देन अमोनिया तो प्राइमरी अमाइंस अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रोंगर क्यों है क्योंकि प्राइमरी अमाइन में होता है आर ग्रुप क्योंकि आर स्टोन का स्ट्रक्चर है और प्राइमरी अमाइन में ये आर ग्रुप दैट इज़ अल्कली ग्रुप होता है ये अलकलाइन ग्रुप अलकलाई ग्रुप के वजह से यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट दिखता है दैट इज आर ग्रुप डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ और ये प्लस आई इफेक्ट के वजह से यहाँ पे बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है बट अमोनिया में वही प्लस आर ग्रुप प्लस आई ग्रुप दिखाने वाला ग्रुप नहीं है कोई अल्कलाई ग्रुप नहीं है और इसलिए अमोनिया इज अ बिग बेस। नेक्स्ट प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन नाइट्रो बेंजिन जब रिड्यूस होता है एस एन इन कॉन्सेंट्रेटेड एस सी एल तो देता है एनिलिन तो एस एन और कॉन्सेंट्रेटेड एस सी एल नाइट्रो को रिड्यूस करके बना देता है एन एच टू नेक्स्ट है राइट दिक नेम ऑफ बेंजिल अमाइन तो आयोपिक नेम फॉर बेंजिल अमाइन इज फिनी मिथा अमाइन नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग अमाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है मैंने आपको बताया है जो स्ट्रेट चेन अमाइन होते हैं दैट इज़ प्राइमरी अमाइन वो सबसे ज्यादा उनका बॉयलिंग पॉइंट होता है क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है दैट इज प्राइमरी अमाइन का बॉयलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है फिर सेकेंडरी अमाइन और सबसे लास्ट में होता है टर्शरी अमाइन क्योंकि वहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक है नेक्स्ट है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ डायल्यूट एस टूस अ फोर ऑन डाई इथिल अमाइन तो आपका कॉन्सनट्रेटेड एस टू सो फोर दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट होगा डाईथिलइन के साथ तो वो देगा डाईथील अमोनियम सल्फेट ये सॉल्ट मिलता है आपको तो डाईथिलइन को जब भी आप रिएक्ट करोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपको मिलेगा डाईथिल अमोनियम सल्फेट नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग अमाइंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पी के वैल्यूज पी के बी वैल्यूज पी के बी वैल्यूज़ जो बेसिसिटी के अपोजिट है ठीक है जितना ज्यादा पीके बी उतना कम हो बेसिक तो जो सबसे कम बेस हो बेस जो सबसे वीक बेस होगा उसका सबसे ज्यादा पीके वी वैल्यू होगा ये याद रखना पड़ेगा आपको पीके वी वैल्यू हमेशा बेसिसिटी का अपोजिट होता है पीकेबी बढ़ता है बेसिसिटी घटता है तो सबसे जो वीक बेस है उसका पीके भी सबसे ज्यादा तो आप ये सब में देखोगे एनिलीन साइक्लोक्लमाइन और फोर नाइट्रो एनिलिन में तो आपको पता होगा फोर नाइट्रो एनिलिन जो है वो एक्चुअली सबसे वीक वे से और इसलिए उसका पीके भी सबसे ज्यादा है ठीक है फिर उसके बाद एनिलीन और साइक्लो एक्सिल अमाइन सबसे स्ट्रांग बेस है क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं है नाइट्रोजन जल्दी से लोन पर डोनेट कर सकता है इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए उसका पीके भी सबसे कम है नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए एंड बी इन दॉलोइंग रिएक्शन तो जो आपका अभी ए एंड बी पहचाना है तो आपका बेंजिल ब्रोमाइड है जो एल्कोहलिक केसियन के साथ ट्रीट हो रहा है ए देगा ए रिड्यूस होगा सोडियम इथेनॉल में बी देगा तो बेंज़िल ब्रोमाइड जब एल्कोहलिक केसियन के साथ रिएक्ट होगा तो देगा फिनिल एसिडोनाइट्राइड दैट इज योर बी आर विल बी रिप्लेस्ड बाई सी एन और इसको फर्दर आप रिड्यूस करोगे सोडियम इन इथेनॉल में तो आपको मिलेगा टू फिनील इथिल आमाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन देश सुटेबल एग्जाम्पल इसलिए आप बिना प्रीवियस वीडियो देख लीजिए और नेक्स्ट है वॉट इज डाइजोटाइजेशन डाइजोटाइजेशन रिएक्शन ऑफ एनिलिन तो एलिफेटिक या एरोटिक प्राइमरी अमाइंस जब रिएक्ट करते हैं नाइट्रोज एसिड के साथ तो वो देते हैं डाइजोनियम सॉल्ट और इस रिएक्शन को कहते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन तो आपको एनिलिन को रिएक्ट करना है नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रस एसिड बनाना है आपको एन एन ओ टू और एस सी एल डाल के और जब ये रिएक्ट होगा तब वो देगा आपका डाइजोनियम सॉल्ट और इसे कहोगे आप डाइसाइटेशन रिएक्शन नेक्स्ट राइट रिएक्शन टू तो कन्वर्ट एसिटिक एसिड आसेट इनटू टू मिथिलामाइन तो आपको पहले लेना है एसिटिक एसिड आसेट। जिसको इथियोनिक एसिड भी कहते हैं और उसको आपको कन्वर्ट करना है मिथिलामाइन में तो एसिटिक एसिड आसिट को पहले आप ट्रीट करोगे एस सी एल टू के साथ जो आपका ओ एच है वो रिप्लेस हो जाएगा सी एल से उसको फर्दर ट्रीट करोगे एनएच थ्री के साथ वो भी बहुत ज्यादा एनएस थ्री लेके तो आपका जो एसिटलाइजेशन रिएक्शन है वही हो रहा है यहाँ पे और आपका अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है इथामाइन में अब यहाँ पे हॉफमन डिग्रेडेशन करो दैट इज बी आर टू इन एन और एच और आपको एक कार्बन लेस वाला जो है अमाइन मिल जाएगा दैट इज मिथा अमाइन इस तरह से आप एसिटिक एसिड को मिथा अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हो जो बाकी के तीन क्वेश्चन है दैट इज नोट ऑन कपलिंग रिएक्शन गैब्रेल सिंथेसिस एंड कैरिबिल अमाइन रिएक्शन कार्बनल अमाइन रिएक्शन ये सब आप मेरे प्रीवियस वीडियो से नोट डाउन कर सकते हो पीडीएफ वाले नोट्स में आने वाला है आंसर्स नेक्स्ट है राइट रिएक्शन टू कन्वर्ट अमाइन इन टू इथामाइन तो आपको मीथा अमाइन को इथामाइन में कन्वर्ट करना है दैट इज स्टेप अप करना है क्योंकि मिथाइन में <coughs> एक ही कार्बन है और आपका इथामाइन में दो कार्बन है तो आप क्या करोगे पहले मिथा अमाइन को आप डाइजोटाइजेशन करोगे जिससे वो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इस डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल है बहुत ही ज़्यादा वाटर डालते ही वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल को आप पी सी एल फाइव पी सी एल थ्री या एस सी एल टू से ट्रीट करो तो यहाँ पे सी एस सी एल मिलेगा ये सी एस सी एल को आप अब एन सी एन से ट्रीट करोगे जिससे आपको नाइट्राइल मिलेगा और इस नाइट्राइल को आप फर्दर रिड्यूस करोगे तो आपको इथामाइन मिलेगा तो आपको वापस मैं एक्सप्लेन करती हूँ मिथामाइन में एक और कार्बन घुसाना है इतना आसान नहीं है पहले आपको इसका डाइजोटाइजेशन करना है जिससे एक गुडलेविक ग्रुप आ जाए और नाइट्रोजन बाहर जा सके फिर आप उसको वाटर ऐड करके अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे अल्कोहल को आप अल्काइल हेलाइड में कन्वर्ट करोगे अल्काइल हेलाइड अब ट्रीट किया जा सकता है जो है वो आपका नाइट्रल ग्रुप इंसर्ट करने के लिए और जब नाइट्रल ग्रुप इंसर्ट हो जाए उसे रिड्यूस कर दो आपको इथामाइन मिल गया नेक्स्ट है एनिलीन टू पैराब्रोमो एनिलीन तो एनिलीन को जब आप डायरेक्ट ब्रोमिन से ट्रीट करते हो तब आपको ऑर्थो मेटा पैरा तीनों प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है बट उन्होंने क्लियरली कहा है आपको सिर्फ पैरा ब्रोमो एनिलीन चाहिए ना कि मिक्सचर। तो आपको एनिलीन को पहले ट्रीट करना होगा एसिटिक्राइड से या एसिटिक क्लोराइड से किसी से भी ट्रीट करो जिससे आपका जो बेस ये है अमाइन है वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाए नाइट्रोजन की न्यूक्लिफिलिटी कम हो जाए जिससे वो कम रिंग एक्टिवेट हो और सिर्फ पैरा में सब्सिट्यूशन हो मेटा और ऑर्थो पे ना हो तो अब इस एसिनि एसिटिनलाइट को आप ट्रीट करोगे बी आर टू इन एसिटिक एसिड आसिट, जिससे आपको ब्रोमो एसिटिनीलाइट मिलेगा बट आपको ये अमाइड नहीं चाहिए इसे कन्वर्ट करना है वापस अमाइन में तो हाइड्रोलिस करो हाइड्रोलिसिस से ये लिंकेज ब्रेक हो जाएगा और आपको पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा डायरेक्ट बी आर टू से ना ट्रीट करना क्योंकि आपको फिर मिक्सर मिलेगा नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन जो ये रिएक्शन से कंप्लीट करना है तो डाइजोनियम सॉल्ट को वो ट्रीट कर रहे हैं इथेनॉल से तो डाइजोनियम सॉल्ट जब भी इथेनॉल से ट्रीट होता है तो आपको बेंजीन एन गैस और एसिटल डिहाइड मिलता है नेक्स्ट है जो एनिलिन है उसको ट्रीट करना है बी आर टू से तो एनिलिन जब भी, भी बी आर टू से ट्रीट होता है तो आपको टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमो एनिलिन मिलता है नेक्स्ट है एक्सप्लेन अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इसके लिए भी आप अपने प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए नेक्स्ट है राइट रिएक्शन टू कन्वर्ट इथिलामाइन इन मिथिलामाइन तो आपको इसके लिए लेना है इथिलामाइन उसको मिथिलामाइन में कन्वर्ट करना है इसलिए पहले डाइजोडाइटेशन कीजिए डाइजोटाइजेशन से डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा उसको आप वाटर से ट्रीट कीजिएगा तो आपका अब आप वापस अमाइन कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में एल्कोहल को पी सी एल फाइव पी सी एल थ्री या एसो सी एल टू से ट्रीट कीजिए जो कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल क्लोराइड में अल्काइल एलक्लोराइड को केसी से ट्रीट कीजिए जो बन जाएगा नाइट्राइल में अलका नाइट्राइड में अब उसको रिड्यूस कीजिए सोडियम ईन इथेनॉल या एच टू पी टी एच टू एन आई जिससे भी कीजिए और आपको मिल जाएगा इथा अमाइन तो ये सेम वाला रिएक्शन था जो यहाँ पे था मिथामाइन टू इथामाइन वही वाला ये रिएक्शन है इथिल अमाइन टू मिथिल अमाइन ठीक है नेक्स्ट राइट द आयोपिक नेम्स फॉर द फॉलोइंग तो पहले केस में आप देख सकते हो नाइट्रोजन को थ्री डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है इथिल मिथिल प्रोपिल तो पहले कौन आता है ई e, एम या पी करेक्ट ई तो है एन इथिल फिर एम आता है इसलिए एन मिथिल और प्रोपेन वन अमाइन तो लॉन्गेस्ट चेन, चेन कौन है प्रोपेन का तो आपको प्रोपेन को यहां से नंबर देना होगा क्योंकि प्रोपेन को आप लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर रहे हो इसलिए प्रोपेन अमाइन है और प्रोपेन के फर्स्ट कार्बन को नाइट्रोजन अटैच है इसलिए प्रोपेन वन अमाइन है पर ई पहले आता है इसलिए एन इथिल एन मिथिल प्रोपेन वन अमाइन नेक्स्ट में वापस लॉन्गेस्ट चेन चूज चूज कीजिए तो लॉन्गेस्ट चेन चूज कीजिएगा तो ऑफकोर्स ये है वन टू थ्री फोर तो ये हो गया ब्यूटेन वन अमाइन उसके थर्ड कार्बन में दो मिथिल ग्रुप है इसलिए यह हो गया थ्री थ्री डाई मिथिल थ्री थ्री पे दो मिथिल है डाई क्योंकि दो है मिथिल है और ब्यूटेन वन अमाइन नेक्स्ट वापस लॉन्गेस्ट चेन चूज कीजिए तो यह वन टू थ्री ठीक है तो ये थ्री हो गया तो आपका एक्चुअली नंबरिंग यहां से आपने शुरू किया वन टू थ्री अब ये है मतलब नाइट्रोजन तो थ्री है उसको मत काउंट कीजिए ठीक है वन टू तो ये हो गया आपका एक्चुअली यहाँ पे थ्री ये लॉन्गेस्ट चेन है आपको लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन चूज करना है ठीक है तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है यहाँ से जाइएगा सिर्फ दो है यहाँ पे जाइएगा तीन है तो ये हो गया आपका प्रोपेन टू अमाइन क्योंकि सेकेंड कार्बन को अमाइन ग्रुप है बट उसको और सब है इसलिए हो गया एन इथिंग क्योंकि एन पोजिशन पे इथिल है, प्रोपेन है और सेकेंड पोजिशन पे इसलिए, एन इथिल प्रोपेन टू अमाइन नेक्स्ट आर वर हाउ आर दे क्लासिफाइड? इसके लिए आप चेन देखिएगा तो, तो ये लीनियर चेन है विध सिक्स कार्बन तो ये हेगजेन हो गया हेगजेन के वन और सिक्स पोजिशन पे जो है वो अमाइन है इसलिए हो गया हेगजेन वन सिक्स दो अमाइन डाई अमाइन नेक्स्ट है ये एनिलिन है क्योंकि ये ये वाले रिंग को एनिलिन कहते हैं एनिलिन के जो है सेकेंड कार्बन और फोर्थ कार्बन पे मिथिल ग्रुप है तो ये हो गया टू फोर दो मिथिल इसलिए डाई मिथिल एनिलिन नेक्स्ट ये बेंजीन है बेंजीन के वन और फोर्थ पोजीशन पे जो अमाइन ग्रुप है इसलिए हो गया बेंजीन वन फोर डाई अमाइन नेक्स्ट है राइट रिएक्शंस टू प्रिपेयर इथामाइन फ्रॉम इथामाइन बनाना है आपको किससे एसिटोनाइट्रल से तो एसिटोनाइट्रल का स्ट्रक्चर लिखो सी एच थ्री सी ट्रिपल N आप उसको रिड्यूस कर दो फोर हाइड्रोजन सोडियम इन इथेनॉल जिससे आपको इथामाइन मिल गया नेक्स्ट है बाय नाइट्रो इथेन तो ये नाइट्रो इथेन है ऑफकोर्स इथामाइन बनाने के लिए नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस करना है इसको आप एल आई एल एच फोर से रिड्यूस करो या एस एन एस सी एल से या एफी एस सी एल से या जेड एन एस सी एल से आपको मिल जाएगा आपका इथामाइन नेक्स्ट स्टेप प्रोपामाइड से इथामाइन प्रोपामाइड में कितने कार्बन हैं थ्री इथामाइन में कितने कार्बन होते हैं टू स्टेप डाउन करना है ऑफकोर्स हॉफमन डिग्रेडेशन तो हॉफमन डिग्रेडेशन को बी आर टू प्लस फोर के एव एच और इसे हीट कीजिएगा आप तो आपको मिल जाएगा इथामाइन नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड ऑन इथिलामाइन, हाइड्राइड एंड इथिल तो एसिटिक एनहाइड्राइड इथिलामाइन के साथ रिएक्ट होके देगा आपको एन एसिटाल अमाइन ठीक है तो इथिलामाइन जो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट हो रहा है एन एसिटॉल अमाइन दे रहा है सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट होके दे रहा है एन एसिटॉल डाईमाइन और टर्शरी अमाइन के साथ रिएक्ट ही नहीं होता क्योंकि टर्शरी अमाइन में कोई हाइड्रोजन रिप्लेस करने के लिए ही नहीं है नेक्स्ट डिस्टिंग बिटवीन इथिलामाइन डाईथिलाइन एंड ट्राइथिलामाइन बाई यूजिंग हेजनबर्ग रिएजेंट तो जो आपका प्राइमरी अमाइन है वो जब हेजनबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट होगा दैट इज इथिलामाइन जब हेजनबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट होगा तो वो देगा एन इथिल बेंजोसल्फामाइड जो आपके बेस के सोल्यूशन में सॉल्यूबल है बट जब आपका सेकेंडरी अमाइन दैट इज डाई इथिल अमाइन रिएक्ट होगा जब हेजनबर्ग रिएजेंट के साथ तब वो देगा एन एन डाई इथिल बेंजिल सल्फामाइड जो आपके बेसिक सोल्यूशन में सॉल्यूबल ही नहीं है बट आपका टर्शरी दैट इज ट्राई इथिल अमाइन रिएक्ट ही नहीं होगा हेज़नबर्ग रिएजेंट के साथ क्योंकि उसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ही नहीं है और इस तरह से आप तीनों आमाइंस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नेक्स्ट है राइट रिएक्शंस टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन एनिलीन टू पैरा नाइट्रो एनिलीन तो एनिलीन को आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन में कन्वर्ट करना है उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है पैरा नाइट्रो एनिलीन आपको ये बात कंपलसरी याद रखना होगा यदि आप एनिलिन में डायरेक्टली नाइट्रेशन करें तो आपको मेजर प्रोडक्ट में पैरा मेटा तो तीनों का मिक्सचर मिलता है बट उन्होंने सिर्फ पैरा नाइट्रो एनिलिन मांगा है ना कि मिक्सचर तो आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना होगा एनिलिन को पहले आप एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक ट्रीट करके उसको एसिटानीलाइड में कन्वर्ट कीजिए एसिटल में आप अब नाइट्रेटिंग एजेंट डालिए जिससे आपको पैरा नाइट्रो एसिटलाइड मिलेगा अब आपको ये अमाइड ग्रुप नहीं चाहिए इसलिए उसको हाइड्रोलिसिस कर दीजिए H प्लस या एन के ओ एच माइनस के साथ जिससे आपको नाइट्रो एनिलिन मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलिन इनटू टू सल्फिनिक एसिड तो एनिलिन को आप ट्रीट कीजिएगा H2SO4 के साथ तो आपको मिलेगा एनिनियम हाइड्रोजन सल्फेट जिसे हीट करते ही आपको मिलता है सल्फेनिक एसिड और सल्फेनिक एसिड ज्यूटर आयन के प्रेजेंट मतलब आयन जैसा बना रहता है क्योंकि उसमें एसिडिक दैट इज ये वाला प्रोटॉन और बेसिक दैट इज ये वाला प्रोटॉन दोनों भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन का लोन पेयर एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ज्यूटर आयन बनाता है मतलब सेम मॉलिक्यूल में एसिड और बेस एस प्रेजेंट होने की वजह से दो अलग चार्जेस बनते हैं और ज्यूटर आयन कहलाता है and that's all for today thank you if you have any doubt any comment any suggestion you are free to do that on asadou004 at gmail.com if you like my video give me a thumbs up share this video to more and more of your friends and focus on where you want to go not on what you fear that's all for today thank you stay tuned